हमारे चैनल ऑफिस वर्क कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब के पार्ट वन के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे पेजेस ब्लॉक। पेजेस ब्लॉक में आते हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। वीडियो को आसानी से समझने के लिए हेडफोन ईयरफोन का यूज करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का यूज हम किसी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले एक कवर पेज के रूप में करते हैं। जैसे कोई असाइनमेंट बना है, मान लीजिए 12-13 पेज का या 15 पेज का, तो उसमें एक पहला पेज जो रहता है वो कवर पेज रहता है। तो कवर पेज को अच्छे से बनाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ मेरे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की ज़रूरत है तो एक फार्मूला बताया था मैं, इक्वल टू आर ए एन डी, और ब्रैकेट में जितना भी आपको पैराग्राफ चाहिए उतना लिख दीजिए। जैसे कि 150 हमको पैराग्राफ चाहिए, तो 150 लिख के हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 150 पैराग्राफ हमको मिल चुका है। यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में अभी शो करेगा ये टोटल कितना पेज हुआ है। ये देखिए टोटल 16 पेज हुआ है, स्टेटस बार में दिख रहा है टोटल 16 पेज का एक मान लीजिए प्रोजेक्ट बना हुआ है और इसमें हमको एक कवर पेज बनाना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पहले पैराग्राफ के पहले कर्सर रख के यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे और ऊपर ले आएंगे कर्सर को और यहाँ से एक कवर पेज चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा एरो का बटन दिया है, यहाँ क्लिक करते ही ये बहुत सारा कवर पेज हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिखने लगा है और हमको जो भी कवर पेज चाहिए रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि पहला नंबर को ही सेलेक्ट करते हैं, ये हमने पहला नंबर को सेलेक्ट किया तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये थोड़ा पेज को छोटा करेंगे तो शो भी करेगा। ये देखिए पेज छोटा कर रहे हैं दिख रहा है, ये बाकी पेज जो दिख रहा है असाइनमेंट है मान के चलिए, या कोई प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट है जो आप बना रहे हैं, और ये हमें पहला पेज दिख रहा है, ये कवर पेज है। कवर पेज हमने यहाँ से कवर पेज बाय डिफॉल्ट लाया हुआ है। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर दिया है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एमएस ऑफिस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ टाइटल में हम डाल देंगे एमएस ऑफिस और नीचे सब टाइटल दिया हुआ है, इसमें हम इसके अंतर्गत जो आते हैं उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। और नीचे दिया है पिक द डेट, यहाँ पे हमको डेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लिक करेंगे तो छोटा सा एरो का बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डेट पिक कर लेंगे। जैसे आज के डेट में हमको बनाना है 9 अगस्त 2020, तो हम 9 में यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आज का डेट आ जाएगा यहाँ पे। और इसके नीचे यूज़र नेम दिया रहता है, जो आप अपने कंप्यूटर में दिए होंगे वो आएगा। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में दिया हुआ है गणेश कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, अभी आपका कवर पेज रेडी हो गया। अब मान लीजिए आपको कवर पेज ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है, तो फिर से आपको कवर पेज में यहाँ आना होगा और यहाँ पे दूसरा कवर पेज चुनेंगे। जैसे ये सेकंड वाला लेते हैं, तो देखिए हम सेकंड वाला लिए तो हमको टाइप करना फिर से नहीं पड़ा यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने टाइप किया था उसका बस पैटर्न चेंज हो गया है, वो कवर पेज अपने हिसाब से ले लिया है। जैसे एमएस ऑफिस टाइप किए थे तो ये इधर आ गया है, डेट पिक किए थे ये यहाँ पे आ गया है अपने हिसाब से, और यहाँ पे सब टाइटल आ गया है, और एक ऑप्शन और आ गया है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, 2-3 लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक प्रकार से कवर पेज बन चुका है। और ये कवर पेज भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप फिर से कवर पेज में चले जाइए, यहाँ से आपको बहुत सारे कवर पेज दिखेंगे। मान लीजिए आपको ये कलरफुल कवर पेज लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिए तो हमारा पेज जो है कलरफुल हो गया है। अब यहाँ पे आप कंपनी नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी नेम का अलग दिया है, यहाँ नीचे कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप अपना जैसे हमारे क्लास का नाम
गणेश कंप्यूटर क्लासेस है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गणेश कंप्यूटर क्लासेस, और यहाँ पे नीचे एड्रेस दिया है, तो हम यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हैं रिया पारा चांद मारी नियर फिश फॉर्म रायगढ़, ऐसा। तो इस प्रकार से एक और कवर पेज आपका रेडी हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट या जो भी कुछ बना रहे हैं उसका, अगर आपको एक कवर पेज का ज़रूरत है तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब के पहले ऑप्शन से बना सकते हैं। तो हो, और यदि आपको ये कवर पेज रिमूव करना है यहाँ से पूरी तरह से, तो उसका भी एक ऑप्शन नीचे में दिया है, ये देखिए रिमूव करंट कवर पेज, यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा कवर पेज रिमूव हो जाएगा। और आपको अगर सेव करना है तो इसको अंडू कर लेते हैं, तो सेव का भी एक ऑप्शन दिया है, ये सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए बॉर्डर में क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन टू द कवर पेज गैलरी, मतलब ये जो गैलरी है यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। जैसे ही हम सेव करेंगे, ये देखिए नाम देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर माई कवर पेज लिख सकते हैं नाम में, माई कवर पेज, और यहाँ पे ओके कर दिए, तो ये माई कवर पेज नाम से आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देखिए आ चुका है माई कवर पेज। तो ऐसे आप सेव भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये कवर पेज समझ में आ गया होगा और आप आसानी से कवर पेज बना सकते हैं इसके माध्यम से। अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को समझने के लिए हमको फिर से पैराग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पहले पैराग्राफ दिया था, और हमको पेज को छोटा भी करना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए व्हील को उल्टा तरफ घुमाएंगे तो ये पेज छोटा होगा। तो हमको स्क्रीन पे कम से कम 3 पेज दिखना चाहिए, तभी ये ब्लैंक पेज हमको समझ में आएगा। अब यहाँ से हम पहले 2 पैराग्राफ को हाईलाइट कर देते हैं, ये हमने पहला 2 पैराग्राफ हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए हमारे जो पहला 2 पैराग्राफ है ये हाईलाइट हो चुका है, और ऑफिस में मान लो हमको ये काम मिला है कि इस 2 पैराग्राफ के बाद जितने भी टेक्स्ट हैं वो 3 नंबर पेज में आ जाएं, और बीच का जो पेज दिख रहा है ये वाला ये ब्लैंक हो जाए। तो इसके लिए अगर हमको यहाँ पे इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज का ऑप्शन का यूज करना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर बटन को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि ये 2nd नंबर पेज ब्लैंक ना हो जाए। यहाँ पे हमको कई बार एंटर को दबाना पड़ेगा तब जाके ये पेज ब्लैंक होगा। ये देखिए पूरा टेक्स्ट 3 नंबर पेज पे आ गया है, और वहाँ पे 2 पैराग्राफ है पहला नंबर पेज पे। हमको यही चाहिए था, ऑफिस में काम कर रहे हैं और बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो ऐसा एंटर दबा के करेंगे अगर हमको ये ब्लैंक पेज का ऑप्शन नहीं आता है। और अगर इसका यूज करना आता है तो हमको इतना बार एंटर दबाना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से ये देखिए दोनों पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ब्लैंक पेज को क्लिक कर देंगे, बस हमको क्लिक करना है। एक क्लिक करते ही ये पूरा टेक्स्ट को 3 नंबर पेज पे ले आएगा और 2nd नंबर पेज ब्लैंक हो जाएगा, जैसा कि उसका नाम है ब्लैंक पेज। तो ये 2 टेक्स्ट के बीच में एक ब्लैंक पेज बनाने का काम करता है। और यहाँ पे मान लो हमको 3 पेज रखना है ऊपर वाले पेज में, 3 पेज को हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए हाईलाइट हम होम टैब में जाके कर रहे हैं, होम टैब का वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, सर्च करेंगे तो पूरे डिटेल से इसके बारे में समझाया हूँ मैं। तो यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं और फिर से इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। अब मान लो हमको 3 पैराग्राफ को ऊपर पहले नंबर पेज पे रखना है और बाकी सारे टेक्स्ट को 3 नंबर पेज पे करना है, और बीच का जो पेज है उसको ब्लैंक करना है। तो हम कर्सर को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, हमारा कर्सर कहाँ पे है, तो कर्सर हमारा 3ों पैराग्राफ के लास्ट में होना चाहिए, लास्ट वाले पैराग्राफ में, और यहाँ से हम ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही हमारा जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है वो पहला नंबर पेज पे रहेगा, बीच में हमको एक ब्लैंक पेज मिल गया, और सारा टेक्स्ट बाकी जो है वो 3rd नंबर पेज पे आ चुका है। तो इस प्रकार हम ब्लैंक पेज का यूज यहाँ करेंगे। होपफुली आपको ब्लैंक पेज भी समझ में आ गया होगा।
आगे देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए भी हमको यहाँ पे पैराग्राफ का जरूरत पड़ेगा और इसी प्रकार से हमने हाईलाइट कर दिया है। जैसे हमको ये पहला जो पैराग्राफ हाईलाइट हुआ है उसको पहले नंबर पेज पे रखना है और बाकी के सारे टेक्स्ट को दूसरे नंबर पेज पे करना है, तब हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे। मतलब जहाँ भी हमारा कर्सर है वहाँ पर हमने अगर पेज ब्रेक में क्लिक कर दिया तो वहाँ से पेज ब्रेक होके बाकी का टेक्स्ट अगले पेज में चले जाएगा। जैसे कि ये देखिए, हम पहले पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखते हैं और पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं तो यहाँ से कट के पेज ब्रेक हो जाएगा। हमने ये पहला पैराग्राफ के लास्ट में रखा था तो एक पैराग्राफ हमारा पहला नंबर पेज पे है और बाकी का टेक्स्ट दूसरे नंबर पेज पे आ गया है। इसको अंडू करके हम एक बार और समझते हैं। मान लो हमको दो पैराग्राफ रखना है यहाँ पे, तो दूसरे पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखेंगे और यहाँ पे पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा दो पैराग्राफ पहले ही नंबर पेज पे रहेगा और बाकी टेक्स्ट दूसरे नंबर पेज पे चले जाएगा, क्योंकि हमने पेज को ब्रेक कर दिया है वहाँ से। और यदि हमको ये तीनों हाईलाइटेड पैराग्राफ यहाँ रखना है तो तीसरे पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखेंगे और यहाँ पेज को ब्रेक करेंगे तो तीन पैराग्राफ यहाँ होगा, बाकी का टेक्स्ट इधर आ जाएगा। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में यही अंतर है कि हमको ब्लैंक पेज में एक बीच में ब्लैंक पेज मिल जाता है और पेज ब्रेक जहाँ से हमने कर्सर रखते हुए पेज ब्रेक किया है वहाँ के नीचे का बाकी टेक्स्ट अगले पेज में चले जाता है। तो होपफुली ये पेजेस सेक्शन के सारे ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं।